बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 26 न्यूज़ एचडी। मैं हूं जवाद अली। शामिल करेंगे 26 न्यूज़ हेडलाइंस। तमाम जमातें इलेक्शन में धांधली और नए इंतखाबात पर मुत्तफिक है। पीडीएम ने साबित कदम रहकर अफवाहों का खात्मा कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ ने भी असम्बलियों में जाने की गलती तस्लीम कर ली। अभी तक नैब का कोई नोटिस नहीं मिला। नैब ने बुलाया तो तमाम कारकुन भी साथ जाएंगे। गैस की सबसे ज़्यादा पैदावार और फिर बहरान क्यों? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया। सिंध पाकिस्तान में 68% गैस पैदा करता है। सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने के बावजूद सिंध को गैस बहरान का सामना है। 12 से 18 घंटे की गैस लोड शेडिंग की जा रही है, जो नाइंसाफ़ी है। इस्लामाबाद में 6ठे पाक चीन रादारी मीडिया फोरम का इनेकाद। सादिक संजरानी, मुशाहिद हुसैन, आज़म सवाती और चीनी सफ़ीर की शिरकत। चीनी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान को सी पैक के अच्छे नतायज मिले हैं। चेयरमैन सेनेट बोले दोनों ममालिक ने बाहमी तहमुन से आम संग मील अबूर किया, मनसूबे के मकासद पर रोशनी डाली। सऊदी अरब ने बैन अलावी मुसाफरों के दाखिले पर मज़ीद एक हफ्ते की तोसी कर दी। गैर मुल्की शहरियों को सऊदी अरब से वापस जाने की इजाज़त होगी। पाबंदी में तोसी का फैसला कोरोना वायरस की नई किस्म की रिपोर्ट होने पर किया गया। लंदन से जनूबी कोरिया आने वाले 3 अफराद में कोरोना की नई किस्म की तशखीस। ब्राज़ील के नायब सदर भी कोरोना का शिकार। अमरीका में 24 घंटों में 1215 हलाकतें। इंडोनेशिया ने आइंदा 2 हफ्तों के लिए मुल्क में गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी लगा दी। और कोरोना से नए साल की खुशियां मांग चाइना सेंट्रल टेलीविजन। नॉर्वे ने न्यू ईयर नाइट शो मनसूख कर दिया। सिडनी हार्ब्रिज पर आतिशबाजी तो होगी मगर लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं होगी। बीजिंग का मशहूर सियाती मुकाम इस साल वीरान रहेगा। फौज मुखालिफ बयानिए का मौसर जवाब दे, अपोजिशन को ईंट का जवाब भी पत्थर से दे। इमरान खान ने जारहाना पॉलिसी अपना ली, पार्टी तर्जुमानों को मुकाबले की हिदायत कर दी। फौज मुखालिफ बयान पर मुफ्ती कफायतुल्ला के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म कहते हैं किसी सूरत ब्लैकमेलिंग में ना आए। झूठ बोलकर आवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। उनके कहने पर नैब कानून में तरमीम कर देते तो ये लोग सड़कों पर ना होते। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान के एहसासों पर सवाल उठा दिया। तर्जमानों को मौलाना के खिलाफ मौसर हिकमत अमली अपनाने का हुक्म दे दिया। गैस बहरान का भी नोटिस। शिबली फराज कहते हैं मरियम नवाज ने इक्तदार की भूख में रोना धोना मचाया हुआ है। इलेक्शन चोरी होने के इल्जाम लगाए तो सबूत भी दें। फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम का स्टेज पंजाब दुश्मन पार्टियों की अमाजगा बन गया है। नाम नहाद लीडर अरबों रुपए डकार कर लोगों को धोखा देने के लिए पंजाब को गाली देते हैं। बलोचिस्तान को 10 साल से औसतन 400 अरब मिलता रहा, ये पैसा कहाँ गया? शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन सेनेट इलेक्शन जरूर लड़ेगी। मुर्तजा जावेद अब्बासी इस्तीफा नहीं देंगे। कंप्यूटराइज इस्तीफों की कोई हैसियत नहीं। लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च में फ़र्क होता है। मुराद अली शाह ने बिलावल वज़ीर आज़म का नारा लगाया, अगर आपने अंडर-19 टीम के साथ ही खेलना है तो दूसरों के हाल पर रहम करें। जरदारी ने क्रिमिनोलॉजी में PhD की हुई है। जब से हाजी ईमानदार इकतदार में आया आवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क पर नाइल और नालायकों को मुसल्लत कर दिया गया। हमने पाकिस्तान को बचाना है और मजबूत बनाना है तो वोट को इज्जत देना होगी। इमरान खान की नाली से इदारे भी तबाही के दहाने पर पहुंच गए। PTI ने अद्वियात चीनी और आटे की मद में अरबों रुपए लूट लिए। करप्शन के रेट बढ़ गए। पंजाब में उस्मान बुज़दार जैसे शख्स को सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बना दिया गया। सूबे की सड़कें रेजा रेजा हो चुकी हैं। PDM का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा बिला जवाज़ है। सदर आरिफ अलवी कहते हैं हुकूमत मुस्ताफ़ी होगी ना ही असम्बलियाँ तहलील होंगी। कब और किससे डायलॉग करने हैं इसका फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। बदनवानी के हाथ में के एजेंडे के बगैर कौमी डायलॉग नामुमकिन है। इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक हुकूमत पर कोई दबाव नहीं। मौलाना राजकुमारी और शहजादे में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। PDM का टोला गड़ी खुदाबख्श में अपने ही खोदे घड़े में गिर पड़ा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बार बार तारीखें देने वालों का मुस्तकबिल तारीख हो चुका। 11 जमातों का गैर फितरी इतिहाद इबरतनाक अंजाम से दो चार होने वाला है। आर्य पार किनारे लगाने वालों की मनफी सियासत पार हो चुकी। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 26 न्यूज़।